हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज इटली की तरफ से अच्छी न्यूज़ आई है। जो भी स्टूडेंट्स ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं सितंबर 2021 के अंदर, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ ये है कि 30th ऑफ अगस्त से, यानी परसों से, इटली ने अपनी बॉर्डर्स ओपन कर दी है स्टूडेंट्स के लिए। अब वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ ही ये ओपनिंग हुई है। सबसे पहली चीज़ जो अच्छी न्यूज़ ये है कि फ्रेंड्स, आप क्वारंटाइन कहीं भी कर सकते हैं और आपके कोई भी वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है कि आपको वैक्सीन लगवा के ही जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैंडेटरी है। उसमें क्या क्या है? सबसे पहली चीज़ तो कि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जाने से पहले कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। इसी के साथ में आपको इटली के अंदर 10 डेज़ का मैंडेटरी क्वारंटाइन है, वो आपको रखना पड़ेगा, और पैसेंजर लोकेटर फॉर्म जो है वो आपको फिल करना रहेगा। इसकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको यही वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा कंटेंट आपको मिलेगा कि कैसे कैसे आप इटली के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अंदर कंट्रीज़ भी जो है, इंडियंस भी ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए भी ओपन हो गया और बांग्लादेश के लिए भी ओपन हो चुका है, तो तीनों कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। इसी के साथ यूके के अंदर जनवरी इनटेक की एप्लीकेशन फ्रेंड्स ओपन है भी, तो अगर आप एप्लीकेशन करवाना चाहते हैं इटली फ्री एजुकेशन के लिए, या फिर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए के लिए, तो आप www.meridian.org पर जाइए। लाइव काउंसलिंग आप ले सकते हैं हमारे काउंसलर से, जब आपका टाइम सूटेबल हो वो टाइम स्लॉट आप ले सकते हैं, और किसी भी ब्रांच में आप विजिट कर सकते हैं। एक इंक्वायरी फॉर्म जो है, अगर वो आप कंप्लीटली फिल करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स आ जाएंगी। साथ ही फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप टॉप काउंसलर से कनेक्ट करना चाहते हैं, लाइव अपनी काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जा सकते हैं। अपने किसी भी काउंसलर के साथ आप डायरेक्टली एप्लीकेशन करवा सकते हैं, वीज़ा फाइल सबमिशन करवा सकते हैं। तो वेबसाइट विजिट करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें ताकि आपकी सारी प्रोसेस स्मूथ रहे।